फटी मेरी। तू ही दाना जो उतर रहा नहीं था, तू ही दाना हो। कौन चक्रों की लर What's up guys? Welcome back to the channel Beard Bros. हम लोग कहाँ पे आए देखो, हम लोग आ गए मेले में। आज हम मेले में आए, हम बहुत अलग किस्म का व्लॉग लेके आए आपके लिए। यस, ये है एक गांव की जत्रा है जो नासिक से थोड़ा दूर, इगतपुरी में ये गांव है। पूरे गांव यहाँ पे प्रचित राय की यात्रा होती है। यस, ये हर साल एक होता है, हर साल में एक बार होती है। ये बच्चे यहाँ पे देखो बंदूकें लेके जा रहे हैं भाई। माहौल ही अलग है बहुत। हमारा दोस्त है एक रोहित, उसने हमको यहाँ पे इनवाइट किया है कि देखो यहाँ पे क्या होता है, व्लॉग बनाओ। रोहित जी आ जाइए, आप आ जाइए। ये है, लोग कहते हैं आजकल मेरे बर्ताव में बदलाव आया है, जरा मेरा मुखड़ा देखो, बताओ कैसा है मेरा हुलिया। ये थोड़े अजीब दिख रहे हैं क्योंकि ये गुलाल खेल के आए। यूजुअली ऐसा नहीं रहता है, ये जो अभी यात्रा है वो शुरू हो चुकी है तो गांव भर में घूम रही है। Yes. उनका रथ घूम रहा है तो उसमें ये नाच कर आया है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। ये हमें गाइड करेंगे और यहाँ का सब कुछ जो माहौल है जो है वो सब कुछ जो बताएंगे। यात्रा है कुछ नहीं सब बताएंगे। Yes. पर मराठी में। हाँ, ये मराठी में बताएंगे। मराठी बोला कळलं पाहिजे मराठी काय। यस यस, स्टोरी म्हणजे असं काही हिस्ट्री वगैरे नाही या पाठीमागे, पण मग गावची यात्रा ठेवणं मागचं कारण असं की गावातले सगळे शेतामध्ये काम करणारे लोक असतात, राबतात आणि कष्ट करून थकलेले असतात। सो हा सीझन असा आहे की गहू वगैरे सगळे कापणी वगैरे झालं, सगळं आता रिलॅक्स आहे थोडी, तर त्या रिलॅक्स टाईममध्ये काहीतरी करावं, फन इव्हेंट करावं, त्यामुळे हा सगळा कार्यक्रम आहे। यात्रेमध्ये आपण बघणार आहे आता रथयात्रा बोडा बघितलं, त्यानंतर आपण जाणार आहे वरती देवाचं दर्शन घेऊ आणि पूर्ण जत्रा एक्सप्लोअर करू। तर तुम्हाला कळणार आहे काय काय आहे जत्रामध्ये, मजा बघत राहा। Yes, ये तुम है ना, एक काम करो ब्रो, तुम मराठी ब्लॉग चालू कर लो। मन के बात बोलिए। चलो चलो मंदिर जाते, चलो पुराना मंदिर दिख रहा है ब्रो। मंदिर बघताय तुम्ही, मंदिर हे पूर्ण दगडी कामात बनवलेलं आहे। हे काही विटा सिमेंट वगैरे या प्रकारचं नाही, दगडी काम केलेलं आहे। तर दगडाचं काय, पूर्ण एक रॉ दगड आणायचं, त्याला छनी हातोड्यानं एक स्क्वेअरमध्ये विटासारखं बनवायचं आणि त्या रचून हे बनवलेलं। यावर बघू शकता बारीक बारीक सगळे नक्षी काम केलेलं आहे लाकडावर। हे इथलंच गावातलेच आर्टिस्टनं केलेलं आहे, काय बाहेरचे लोक नाही बनवलेलं आहे आणि हे श्रमदानातनं बनलेलं आहे। श्रमदान काय असतं तर गावातलेच लोक येऊन मेहनत करतात, न बाहेर आणि गावातल्या लोकांची वाटलेले राहायची वेळ की ह्या वेळेत येऊन पत्थर बाहर से लाके उसको स्क्वेअर में कट करके उसकी ईट बना के ऐसे पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया है। कट केलं म्हणजे त्याच्यासाठी काही इलेक्ट्रिक अवजार वगैरे नव्हते, छनी हातोडा। व्हॉट ऑब्वियस मॅन, वो टाइम पे क्या रहेगा। Yeah,
महाप्रसाद गावात कुठे स्वयंपाक बनलेला नसतो तेच नाही. एक मिनिट हे काय वो इतना सारा राईस है हे अर्ध आहे अजून बनतोय ये आधा ये आधा आहे अभी बन रहा हो. अरे वा ऐसा लग रहा है उसमें कूद जाऊं मैं. कॉम्पिटिशन करने की इच्छा हो रही है मेरे को रोको. नहीं ये हर एक के घर का चूल्हा बंद हो जाता है. आज गांव में कोई खाना नहीं बनाता है क्योंकि सबका खाना यहीं पे पक रहा है. यहाँ पे देखो बहुत सारे वेजिटेबल्स है. क्या 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 वो क्या है ब्रो हर चीज वो क्या है वो किसके मसाले भाजी आने कड़ी हाँ मसाले वसाले सब कुछ है. वहाँ पे राइस पक रहा है. बट्टी देखो कितनी बड़ी है. मतलब वो बड़े इसमें क्या बन रहा है तर प्रत्येक गावात यात्रेमध्ये सगळ्यात अट्रॅक्टिव्ह गोष्ट जी राहते ती तमाशा. डान्स कॉमेडी जेवढं काही तुम्हाला एंटरटेनमेंट पाहिजे टी व्हीवरलं ते इथे राहतं. हे पूर्ण ग्राउंड जे दिसतंय पूर्ण भरलेलं असणार. जवळपास 2 ते 3 हजार लोक बसलेले आणि इथे समोर काही लोक त्यांचा परफॉर्मन्स देणार. जो फोक आर्ट बोलते महाराष्ट्र का फोक आर्ट होता है जैसे लावणी ये एक तरह की परंपरा है. यहाँ पे हर जब भी यात्रा वगैरह कुछ भी होता है तब यहाँ पे एज अ एंटरटेनमेंट ये तमाशा होता है. यहाँ इसमें इट्स नॉट जस्ट डांस एंड ऑल. यहाँ पे कॉमेडी वगैरह बहुत सारी चीजें होती है. और यहाँ पे मैंने सुना है कि औरतें भी आके बैठती है. आणि आमच्या गावामध्ये म्हणजे असे बाहेर कुठे नसतात पण आमच्या गावामध्ये इथे लेडीज पण येऊन बसतात. की असं नाही की तमाशा आहे काही वेगळं काय असेल तर लोकनाट्य आहे सगळं लोक येऊन बसतात. म्हणजे लेडीज एक फोक आर्ट आहे. ये एक आर्ट है और इसको आर्ट की तरह ही देखना चाहिए. रिस्पेक्ट करनी चाहिए. रिस्पेक्ट करते है यहाँ के लोग. ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा. वाह और सुनना हम लोग भी महाराष्ट्री में. इन लोगों को देख के पता चल रहा है इंसान बंदर से ही इर्जाद हुआ है. सही बात है. ये जो है ना झूला फेरिस व्हील ये फेरिस व्हील इलेक्ट्रिक नहीं है. ये पूरा मैन पावर पे चल रहा है. ये चार जन का लटक रहे हैं और नीचे ले रहे हैं. कुछ समझ में नहीं आ क्या मतलब उनका कुछ तो भी उनका जजमेंट फिक्स है. बहुत फिक्स है. उनको पता है क्या कहाँ पे उड़ी मारनी है. भाई ये खतरनाक है. ये एक बार मैं मशीन में भी बैठ जाऊँ भाई. ये नहीं ये देखो ये बंदर की औलाद. अरे नीचे जा रहे हो भाई. ऊपर कैसे चला गया वो. मैं इसमें चढ़ने के लिए डर रहा था. अभी ये लटकेगा. ये नीचे आएगा. ये ऊपर से ढकेलेगा. ये आ रहे नीचे भाई. पकड़ ले भाई. मैं यहाँ पे बैठने के लिए डर रहा हूँ. वो वहाँ पे कूद रहा है. हमारे कैमरा मैन के ये देखो नीचे. भाई लेकिन ये और कहीं देखने नहीं मिलेगा. सही है ये एक्सपीरियंस भी करना चाहिए है ना. थोड़ा भारी सीन है ना. क्या दे सीट भर रहा है क्या. और अगर ये टूट गया तो मेरे हाथ में 2-3 स्क्रू आए थे. मेरे हाथ में नहीं मजाक चल रहा है.
मैं बहुत व्हील्स में बैठा हूँ, बहुत बड़े बड़े में बैठा हूँ, लेकिन इसमें जो मजा आया है बहुत मजा आया बहुत पट्टी मेरी भाई। और साला तू ही दाना जो उतर रहा नहीं था, तू ही दाना कौन सा क्यों किधर है ये लोगों ने अलग से पैसे दिए हमको ऊपर रखने के लिए, हमको आधा घंटा ऊपर अटका के रखा है इन्होंने, तो उसको बोला वो भी आपने यही भैया थे जिन्होंने लटक लटक के हमें जोर बोल दिया, एकदम सबको घुमाया, सबको अच्छा किया, तो अभी यहाँ पे ना, यहाँ पे नोट्स है, अगर ये लिंक उसमें जाता है तो मेरे को उतने पैसे मिलेंगे जितने पे मैं डाल रहा हूँ। और सबसे बड़ी नोट है 200 की, मैं ट्राई करूँगा, मैं भी 200 पे ट्राई करने वाला हूँ, ट्राई करूँगा। मम्मी कहती थी ज़्यादा लालच ना करा, मैं 10 पे भी एक बार ट्राई करूँगा। अच्छा, पहले भाई कर लो। भैया यहाँ से डालना है क्या? वही तो, इधर से पहले 200 पे ट्राई करता हूँ मैं। ले ले भाई ले। ओ भैया वो हटाओ ना। 100 पे ट्राई करते, 100 पे भाई। किधर से? ठीक है, जुआरी नहीं हूँ मैं। अब एक फाइनल, ये कुछ तो भी यहाँ पे ना ट्रिक है, ये होता नहीं। वो टच हुआ, वो छोड़ देना हो पाएगा। अभी ये वाला दोनों साथ में डालते, किधर? रुक रुक, दोनों क्या? वन टू, किधर डालना है? 200 200। हम लोग हार गए, ये चलो मेरे भी। ठीक है, चलो देखते और क्या क्या है यहाँ पे। चाइनीज लगा हुआ है, और देखते क्या क्या है, आओ जल्दी। ये एक मिठाई का दुकान दिखता है, ये यहाँ पे क्या क्या है? ये बहुत कुछ है, ये है बुड़ी सेव, इसको रेवड़ी, सेव, जलेबी, मैसूर पाक। ओहो हो, क्या बात है, बढ़िया जी। क्या गाना है? मेरे को तो ये गाना है। कितने का लेते हैं? मेरे को नहीं दादा, 10 रुपये से देना है, 10 रुपये का देते हैं। मैं बोल रहा 20 रुपये का लेना पड़ेगा, इतने तो नहीं है मेरे पास। हाँ 20 से दे। अबे मैं कैसे खाऊं? मैं खिलाता हूँ ना। मेरे 20 रुपये दिए। ले ले खा ले।
दादा, थैंक यू सो मच रोहित। मतलब ये अगर हम लोग कवर नहीं कर रहे तो मैं लाइफ टाइम रिग्रेट करता था, बहुत रिग्रेट करता मैं, बहुत रिग्रेट करता। प्रत्येक वर्षी आयचो, प्रत्येक वर्षी एंजॉय करायचा, फुल ऑन मजा, परफेक्ट। हर साल आएंगे भाई, मतलब फेरिस व्हील, तमाशा, सब, हर चीज याद रहने वाली, एवरीथिंग एवरीथिंग एवरीथिंग। पूरे गांव का पचित्राय देव यात्रा महोत्सव सब सब पूरा याद रहेगा। चले फिर, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बियर ब्रो आठवणीत असू द्या, यस आठवणीत असू द्या। बाय बाय, चलिए बाय बाय।